नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान की ग्राउंड रिपोर्ट। शुरुआत करेंगे जैसलमेर से। जैसलमेर दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार। लैम्बोर्गिनी के 60 साल पूरे होने पर कंपनी ने सरहदी इलाके जैसलमेर में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। 60 कारों का काफिला जोधपुर से जैसलमेर पहुंचा। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में इन सभी लैम्बोर्गिनी का शानदार फोटोशूट हुआ। सुपरकार लैम्बोर्गिनी की कंपनी ने अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए राजस्थान को इसलिए चुना कि यहाँ की सड़कें बेहतर हैं, इसलिए गाड़ियाँ मुंबई से राजस्थान लाई गई हैं। इस इवेंट के लिए इन गाड़ियों के मालिकों को भी बुलाया गया है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने इन सभी लोगों और कारों के मालिकों से बात की और इस खास कार्यक्रम में शामिल हुई लैम्बोर्गिनी कारों पर देखिए हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। थोरों की धरा और इस बीच लग्जरियस प्रॉपर्टी में लग्जरियस कारों का ये काफिला हर किसी को जो है वो प्रभावित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, तस्वीरें देखते ही जो है वो आंखें चकाचौंध जाती है, क्योंकि ये गाड़ियां देखने में जितनी बेहतर है उतनी ही बेहतर चलने में है। और जब ये खड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि हम कोई पुराने जमाने में आ गए हैं, किसी राजा रजवाड़ों के वक्त में आ गए। और उसी बीच जो है एक अचानक से जो आधुनिक कारें हैं वो हमें देखने को मिलती है। अलग अलग रंग बिरंगे कलर में इन कारों का जो काफिला है वो माया नगरी से अपनी माया को बिखेरते हुए स्वर्ण नगरी आई है। और स्वर्ण नगरी में जो है आज ये धोरों में धमाल करने वाली है। और लैम्बोर्गिनी कार्स की जो सीरीज है, अलग अलग सीरीज की जो कारें हैं वो यहाँ पर पहुंची, अपना 60th बर्थडे जो है वो बना रही है। 60वां जन्मदिन मनाने के लिए ये कारों का काफिला जो है वो जैसलमेर पहुंचा है। और जो इनके ओनर्स है वो इसका लुफ्त उठा सके, इस पूरे जो कार्यक्रम को जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि इन सभी के जो मालिक है वो इन गाड़ियों को लेकर पूरा टूर करेंगे और एक अलग एक्सपीरियंस फील करेंगे। क्योंकि जो सड़कों की मायाजाल राजस्थान में है वैसा कहीं और नहीं है, इसीलिए इन सड़कों के मायाजाल में माया नगरी से ये गाड़ियां जो है वो जैसलमेर पहुंची है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ अलग अलग गाड़ियों की। 60 से अधिक लैम्बोर्गिनी कार्स जो है वो जैसलमेर पहुंची। और विशेष रूप से अगर बात करें तो जो रेड और ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, जो इनके कलर्स है, जो शाइनिंग कलर्स, उसे देखकर काफी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। सामने कुछ ओनर्स है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब इनका फ्लैग ऑफ होने वाला है। ये गाड़ियां जो है वो आज होटल सूर्यागढ़ में जो है विशेष फोटोशूट के बाद डिनर के लिए शम की ओर बढ़ेगी। कुछ गाड़ी के ओनर्स है, उनसे भी बात करने की जो है कोशिश करते हैं। भैया कितना एंजॉय कर रहे हैं रेगिस्तान में लैम्बोर्गिनी का पूरा एक ग्रुप यहाँ पे पहुंचा? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे रोड्स हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं, सेफली ड्राइव कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। कितना बेटर फील करते हैं जब ऐसी जगह पर गाड़ियां चलाने को मौका मिल रहा है, पूरा जो है आज रेत के समंदर में भी जाने वाले? ये बहुत अच्छा मौका मिला है हमें। हम पहली बार इतने अच्छे रोड्स पे चला रहे हैं। हम बॉम्बे से आते तो वहाँ पे रोड्स इतने अच्छे नहीं है, पर यहाँ पे फुल ओपन रोड्स है, बहुत मजा है। वेरी वेरी गुड। कहीं ना कहीं राजस्थान की जो सड़कें हैं उनका जो माया जाल है उसमें माया नगरी से काफी गाड़ियां आई है। पीछे देखिए जो इनके ओनर्स है वो गाड़ियों का शूट करते हुए अपने गाड़ियों के साथ फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम कितनी खुशी होती है जब गाड़ियों के साथ रेगिस्तान की इन सड़कों पर पहुंचते हैं? इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। इतनी सारी गाड़ियां पहली बार हमें देखने को मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो हम लोगों को साल में एक बार मिलता है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक साथ इतनी गाड़ियां, एक साथ इनके ओनर, हाउ इज द जोश? जोश इज वी आर वेरी एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी केयरफुल आल्सो एट द सेम टाइम। और बहुत अच्छा लग रहा है, देयर आर डिफरेंट कलर्स, इतनी एनर्जी लगती है देखकर सब लोगों के साथ यहां पर है। वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो इनका एक्सपीरियंस है वो गुड तो है ही, साथ ही साथ सबसे बड़ी सुपर गुड बात ये है कि जैसलमेर में आप ड्राइव कर रहे हैं जहाँ सड़कों के साथ जब जो शिफ्टिंग ड्यून्स है वो शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उनका एक अलग जो है वो एहसास देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर तस्वीरें और गाड़ियां दिखा दूं। देखिए जितनी सुंदर गाड़ियां हैं उतने ही इन्हें चलाने वाले इनके मालिक हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं पूरा जैसलमेर में जब आप आए, राजस्थान में आए हैं, कितना एंजॉय हो रहा है इन सब गाड़ियों के साथ, सारे लोग एक साथ? राजस्थान की फील पूरे देश भर में वैसी अलग है, और जब इतनी खूबसूरत गाड़ियां पूरे देश भर से हों तो चांद अलग ही उसका एक्सपीरियंस है। एक एंड मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर राजस्थान जोधपुर जैसलमेर में, तो बहुत मजा आ रहा है लोगों के साथ। एंड आगे भी ऐसे चलता रहेगा, फिलहाल हर साल इवेंट होते रहे ऐसे, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा।
खुशी जो है हर तरफ देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में लैम्बो पहुंची है तो उसकी एक खुशी अलग है, क्योंकि स्टम के जो रेतीले धोरे हैं उन धोरों में जब ये गाड़ियां धमाल करती है, जब को ड्राइव करने का जो फील है वो बॉम्बे में नहीं आता, ऐसा है लोगों का कहना है, जितना राजस्थान में और खासकर जो है वो रेगिस्तानी जैसलमेर में आएगा। आज शाम ये धोरों में धमाल मचाने वाले हैं। देखिए तैयारियां हो गई है, कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ होगा, तो गाड़ियों के जो ओनर है वो काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और उनमें एक अलग खुशी, एक अलग उत्साह जो है। हमारे साथ एक और जो गाड़ी के ओनर है वो है, उनसे बात कर लीजिए। अच्छा फील कर रहे हैं, राजस्थान में आए हैं, बड़े अच्छे रोड है, गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है और इतना बड़ा कैनो है हमारे साथ है, तो ये लैम्बोर्गिनी ने अरेंज किया हुआ इवेंट है यूरो, तो बहुत मजा आ रहा है, सब लोग अच्छे एंजॉय कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लैम्बो के साथ जुड़ना चाहते हैं, कितना बेस्ट फील आ रहा है? अरे जल्दी जुड़ो, अगर किसी को सोच रहे है तो सोचो मत, आओ जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया गाड़ी है, आपका ये एक्सपीरियंस अलग ही होगा, ये गाड़ी नहीं बोल सकते, ये तो शौक है और शौक बड़ी चीज है तो करो, बड़ी चीजें करो। जो लैम्बो लेता है वो गाड़ी नहीं लेता, वो अपने शौक को पालता है और शौक बड़ी चीज है। और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब आप जैसलमेर की उस प्रॉपर्टी में है जहां आने के लोग ख्वाब देखते हैं और उसमें सपनों का हवाई जहाज कहे तो कम नहीं होगा, लैम्बोर्गिनी वहां पर है और एक साथ 60 लैम्बोर्गिनी को देखने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हर तरफ मोबाइल और कैमराज लेकर खड़े हैं कि कब इसका फ्लैग आउट हो और हम इसे देखें। और एनी टीवी पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जो आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगी। श्रीकांत व्यास, एनी टीवी, जैसलमेर।